हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10th मैथ के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो आपका शांत है। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें कुछ अशांत आए थे और कुछ आपके शांत आए थे, तो उनमें से केवल उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है जो केवल आपका शांत है। तो हमने आप देख लेंगे इससे पहला वाला प्रश्न कौन से शांत है और कौन से अशांत है। तो उसमें पहला वाला शांत था और पहला वाला क्वेश्चन था आपका 13/3125। इसको हमें दशमलव प्रसार लिखना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी भाग नहीं देना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे 31 तीन एक चार और दो छः और पाँच ग्यारह, तीन से तो कटने वाला है नहीं है, तो पहले पाँच से ही काटेंगे। तो पाँच छः 30 और एक बचा, पाँच दूनी 10, दो बचे पाँच पंजे 25, फिर पाँच से कट जाएगा। तो पाँच एक पाँच और पाँच दूनी 10, पाँच पंजे 25, फिर पाँच से कट जाएगा। पाँच दूनी 10 और पाँच पंजे 25 और ये पाँच से कट जाएगा। कितनी बार आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 31, 25 की जगह पे हम 5 पे घात 5 लिख देंगे। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, तो 13 तो ऐसे रहने देंगे और ये 31, 25 की जगह पे 5 पे घात 5 लिख देंगे। इसका एक तरीका है कि हर में जो आपका 2 पर m और 5 पे n आएगा, यानी केवल 2 या 5 आएंगे, तो दोनों की घात को आपको बराबर करना है। हर में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 घात तो है आपका, वो घात 5 है, सॉरी आधार तो 5 है ही है, 2 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें इस पे घात कितनी है, 5 पर 5 है, तो हमें 2 पर भी 5 लानी है। तो हमने हर में गुणा किया है तो अंश में भी हमें गुणा अपने आप करना पड़ेगा। तो देखिए आगे कैसे करेंगे इसे। 13 गुणा 2 पे घात 5 का होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 पे घात का 5 32 आ जाएगा। और ये 5, इसको हम कैसे करेंगे, इसे कोष्टक के बाहर लिख देंगे और 5 दूनी 10 कर देंगे। जो आपने नियम पढ़ा था कि ए पर एम हो, अगर बी पर भी एम है तो ऊपर की घात तो ऐसे ही लिख जाती है, लेकिन अंदर जो आधार होते हैं इनका गुणा हो जाता है। तो उसी तरह से हमने कर लिया। अब 13 का हम इसमें गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 की 39 और 2 41, और 10 पर कितनी घात है, 5, तो हमें 1 के बाद 5 शून्य लगाने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको तो करने में आप होशियार ही हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जितने 0 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हैं, तो 5 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। 3 अंक तो यही है, 2 अंक और बढ़ा दे रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी का हमें सेकेंड करना है। सेकेंड भी आपका था जो क्वेश्चन, वो भी आपका शांत था। ये क्वेश्चन नंबर है 17/8, तो इसके गुणनखंड तो हमें मौखिक ही हो जाएंगे कि 17/2 पे घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 17/2 पे घात 3 हो जाएगा। तो हमने वही काम करना है कि जितनी घात 2 पर है, यहाँ पर 5 थी तो 2 का करना पड़ा था, अब यहाँ पर कितना 2 है तो हमें 5 का करना पड़ेगा। यानी हर में 2 और 5 की घातें बराबर होनी चाहिए और 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तब इसे हम कर पाते हैं। तो 2 पे घात 3 है तो हमें 5 पे घात 3 का अंश हर में गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे वाला आपका हो जाएगा 10 पे घात 3, वही नियम कि आधारों का गुणा कर देंगे, घात उतनी रह जाएंगे, और ऊपर 17 गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125। अब 125 का हमें 17 में गुणा करना है, तो 17 पंजे 85 के 5 हासिल 8 और 17 दूनी 34 और 34 और 8 आपके हो जाएंगे 42 हासिल 4 और 17 एकल 17 और 17 4 21 आपका हो जाएगा 21/25/10 पे घात 3 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि घात कितनी है, 3 है। अब इसे तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जितने शून्य हैं उतने अंक बाद दशमलव लगा दो। तो कितने शून्य यहाँ पे, 1, 2, 3, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये भी आपका आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 17/8 = 2.123
पांच। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखते हैं, तीसरा वाला आपका अशांत था पहले का, तो चौथा देखते हैं, पंद्रह बट्टे सोलह सौ, तो वही सिस्टम है, सोलह सौ के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो यहाँ अलग से कर ले रहे हैं, पहले दो से काटेंगे तो ये आठ सौ हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो ये चार सौ हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो ये दो सौ हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो ये सौ हो जाएगा, और फिर दो से काटेंगे तो ये पचास हो जाएगा, और फिर दो से काटेंगे तो आपका हो जाएगा पच्चीस, फिर पाँच से भाग जाएगा, फिर पाँच बचा, फिर पाँच बचा थ्री। इसका मतलब ये हुआ एक दो तीन चार पाँच छः, यानी दो पे घात लिख जाएंगे छः और पाँच पे घात लिख जाएंगे दो, तो आपका हो जाएगा ये पंद्रह बट्टे दो पे घात छः और पाँच पे घात दो। अब इसमें क्या है, देखें दो पे घात छः तो है ही है, हमें इस पाँच की घात भी दो पे घात छः करनी है, तो गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमें पाँच का वर्ग है, तो इसमें हमें पाँच पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, छः तो ये है ही, तो चार का और करना पड़ेगा, क्योंकि ये घातें जोड़ के हमें छः करनी है, तो पंद्रह गुणा और पाँच पर घात चार का मान कितना हो जाएगा पचम पच्चीस पंजे छः, वो पच्चीस का वर्ग कर देगा छः सौ पच्चीस आ जाएगा, तो यहाँ छः सौ। आप चाहें तो इसे अलग भी हल कर सकते हैं कि पाँच पर घात चार बराबर पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच, जब आप इनका गुणा करोगे तो पचम पच्चीस और इधर भी पच्चीस, और पच्चीस का वर्ग कितना हो गया छः सौ पच्चीस, और अपॉन में कितना हो जाएगा दो पर घात छः गुणा पाँच पे घात छः, तो वही सिस्टम पंद्रह का इसमें गुणा करेंगे तो पंद्रह पंजे पचहत्तर हासिल सात हो गया आपका, और पंद्रह दूनी तीस और सात सैंतीस हो गया हासिल तीन, और पंद्रह छक्के नब्बे और नब्बे और तीन तिरानवे, अपॉन दस पे घात कितना लिख जाएगा छः, तो नाइन थ्री सेवन फाइव अपॉन दस पर जीरो कितने लगाएंगे जितनी घात हो, एक दो तीन चार पाँच और छः, अगर छः घात है तो एक पर उतने ही शून्य लगा लेंगे। अब ये दशमलव कितने अंक बाद आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः है तो छः अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो एक दो तीन चार तो ये हैं, दो जीरो बढ़ा लेना है और आपका ये दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। चलो इसका एक और कर ले रहा है क्वेश्चन नंबर छठा, ये आपका लिखा हुआ है तेईस बट्टे पांच पर दो की घात, वो सॉरी दो पर तीन की घात गुणा पांच पर दो की घात, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, दो पर घात तीन है और पांच पर घात दो है, दोनों की घात बराबर करनी है, बताइए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें पांच का ऊपर नीचे गुणा करना है, इससे क्या होगा गुणा में घातें जुड़ के ये पांच पर भी तीन हो जाएंगी, और पांच दिया पंद्रह और पांच दूनी दस और एक ग्यारह, और अपॉन में आ जाएगा दो पे घात तीन गुणा पांच पे घात तीन, तो वही सिस्टम करना है, दस पे घात तीन हो जाएगा और एक सौ पंद्रह बट्टे एक हजार हो जाएगा, क्योंकि दस पे घात तीन है तो तीन जीरो लगा देंगे एक के बाद, और जितने शून्य होते हैं उतने अंक बाद ही आपका दशमलव लग जाता है।